चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। ओके, ये एक ऐसा चैप्टर है जो फाइनल सीए के अंदर भी आएगा इन अ डिफरेंट फॉर्म, लेकिन आएगा तो सही फॉर श्योर। जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स, अभी दिस चैप्टर नो रिक्वायर्स सम स्मॉल इंट्रोडक्शन इन दिस वे। हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग किया हुआ है, अपना प्रोसेस कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन याद कर लो, शायद लास्ट वाला भी, कि जब एक प्रोसेस खत्म होता है, सारे के सारे क्वेश्चंस याद कर लेना। अभी हर प्रोसेस से एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही बनता है, वन प्रोसेस यील्ड्स ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी क्वेश्चन याद कर लो। हां, लेकिन उसके अंदर एक वैरायटी थी, दैट इज ईदर दोज गुड्स आर कंप्लीटेड और दोज गुड्स आर नॉट कंप्लीटेड। इफ दोज गुड्स आर नॉट कंप्लीटेड दे विल रिमेन इन WIP। हमारा जो कल चेयर वाला लास्ट क्वेश्चन था, वहां पे भी जरा सोचो, हर प्रोसेस के एंड में, हर प्रोसेस के एंड में जो भी प्रोडक्ट निकलता था वो तो सेम ही था ना यार। उसके बाद सम प्रोडक्ट्स विल गेट स्टॉप्ड ओवर देयर एंड सम प्रोडक्ट्स विल गो टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर प्रोसेस, राइट? सो वी हैड वन बेसिक अजम्पशन, एंड दैट बेसिक अजम्पशन इन दिस पर्टिकुलर केस वाज दैट वन प्रोसेस यील्ड्स ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी क्वेश्चन अपना याद कर लेना। अभी वो वाला चीज बदल जाएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी डूइंग अ चैप्टर ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक मिनट, कैन यू ऑल रिकॉल नाउ कि हर एक क्वेश्चन के अंदर हर प्रोसेस से एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट वो निकलता था? मेरे को एक बार तो जरा बोलो। कोई भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि एक प्रोसेस खत्म होने के बाद दो प्रोडक्ट्स कभी भी तो वो बाहर आए, ऐसा एक भी क्वेश्चन के अंदर वो नहीं हुआ। So that is a underlining difference between that chapter and this chapter, and hence the name comes joint products and byproducts. ठीक? तो सुनो, अभी जरा ध्यान से देखो। अभी दिस चार्ट इज देयर इन योर बुक ऑल्सो, देयर इज नथिंग टू कॉपी, ओके? लेकिन अभी जरा ध्यान से सुनना। देखो, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रॉ मटेरियल खरीदा, हम लोगों ने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, और रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेसिंग का खर्चा किया, ओके? प्रोसेसिंग का खर्चा किया, प्रोसेसिंग कॉस्ट बोले तो कन्वर्जन कॉस्ट, कल भी आया था, मेरे को बोलो कन्वर्जन कॉस्ट के ना दो टाइप ऑफ कॉस्ट आता है, कौन सा दो? डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो मैंने ना रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल इज इनपुट कॉस्ट, मैंने उसके ऊपर प्रोसेसिंग कॉस्ट या कन्वर्जन कॉस्ट का खर्चा किया, बोले तो डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। कभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो भी आई जाएगा, ठीक है। मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चला 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 चला, एक स्टेज आया जहां पर आके अपना मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गया। बीच में, ओके, मैन्युफैक्चरिंग खत्म होने से पहले कुछ ना कुछ स्क्रैप भी जनरेट हुआ, ठीक है। अगर स्क्रैप जनरेट करके बेच के कुछ मिलता है तो मैं उसको लेस कर देगा, ओके? सो लेस स्क्रैप वैल्यू। कभी कभी बेचने का खर्चा भी होता है तो देन आई विल बी एडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। हम लोगों ने ऐसा मेरे ख्याल से प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर भी किया हुआ था, ठीक है। तो हम लोगों ने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग कॉस्ट का खर्चा किया, बीच में स्क्रैप जनरेट हुआ, स्क्रैप बेच के कुछ मिलता है तो हम लोग लेस कर देंगे, स्क्रैप बेचने का खर्चा होता है तो हम लोग यहां पे ऐड कर देंगे, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग अपने को बेच के कुछ मिलता है, ठीक है। यहां आकर पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गया। जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग खत्म हुआ, दो प्रोडक्ट्स बाहर आए, से ए एंड बी। Those products which are result of common manufacture are going to be called as joint products. Joint products are those products जो इकट्ठा बनता है। Joint products are those products जो अलग अलग नहीं बन सकता। Joint products are those products जो बनेगा तो इकट्ठा ही बनेगा, वरना कुछ भी नहीं बनेगा। Example के तौर पे, तुम लोगों ने crude oil market से खरीदा, that is your raw material cost, उसको process वगैरह किया, ठीक है।
बीच में कुछ स्क्रैप वगैरह जनरेट हुआ, उसको बेच के अगर कुछ मिला तो लेस कर देना, बेचने का खर्चा होता है तो ऐड कर देना। जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गया, मेरे दो प्रोडक्ट्स बाहर आ गए, लेट्स कॉल देम से एज पेट्रोल, लेट्स कॉल देम एज डीजल, दोस प्रोडक्ट्स दैट हैव टू बी प्रोड्यूस टुगेदर आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स। याद रखना ये वाले प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि आप जो भी कर लो बनेंगे तो इकट्ठे बनेंगे वरना बनेंगे ही नहीं। ओके, दोस प्रोडक्ट्स विच हैव टू बी प्रोड्यूस टुगेदर आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स। मैं कल को ऐसा नहीं सोच सकता, सर मैं क्रूड ऑयल खरीद के सिर्फ पेट्रोल बनाऊं क्या, मैं क्रूड ऑयल खरीद के सिर्फ डीजल बनाऊं क्या, ऐसा नहीं हो सकता। दोस प्रोडक्ट्स विच हैव टू बी प्रोड्यूस टुगेदर आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स। ठीक, तो जब भी बनेंगे इकट्ठे बनेंगे वरना नहीं बनने वाले हैं। ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, जिसको मैं अभी रेड के अंदर हाईलाइट कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक जो भी तुम्हारा खर्चा होता है, दिस पर्टिकुलर खर्चा इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट इज अ कॉमन कॉस्ट दैट गेट्स इनकर्ड। तो जॉइंट कॉस्ट के ना कौन कौन सा कॉस्ट आ जाता है बोलो जरा, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कभी हुआ तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेस स्क्रैप वैल्यू या फिर एड स्क्रैप कॉस्ट। ठीक है, वो जो भी है। अभी बराबर से सुनना, अभी थिंग्स आर अबाउट टू बिकम नाउ, कुछ न्यू चीजें भी आएंगी। ये वाला जो पॉइंट था ना, ये वाला जो पॉइंट था एक ऐसा पॉइंट था जहां आकर प्रोडक्ट्स अलग हो गए। ठीक है, वो वाला पॉइंट जहां के प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सेपरेशन, पॉइंट ऑफ सेपरेशन। इससे पहले वाला खर्चा बोले तो ये वाला खर्चा इज कॉल्ड एज प्री सेपरेशन कॉस्ट, हम लोग उसको ज्वाइंट कॉस्ट भी बोल देते हैं। अगर कुछ भी खर्चा इसके बाद होता है उसको हम लोग पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट बोल देंगे। ठीक है, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। तो अब मैं ये सारी की सारी टर्म्स यूज करके तुमको दो तीन लाइन के अंदर सब कुछ वो समराइज कर रहा हूं। मैंने क्रूड ऑयल खरीदा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग कॉस्ट का खर्चा किया, स्क्रैप जनरेट हुआ, स्क्रैप बेच के कुछ मिला तो लेस कर दिया, बेचने का खर्चा हुआ तो मैंने ऐड कर दिया। स्प्लिट ऑफ पॉइंट आया, जैसे स्प्लिट ऑफ पॉइंट आया दो प्रोडक्ट्स यहां पर हमारे बन गए, दैट इज पेट्रोल एंड डीजल। दोस प्रोडक्ट्स विच हैव टू बी प्रोड्यूस टुगेदर आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स। दोस प्रोडक्ट्स दैट हैव टू बी प्रोड्यूस टुगेदर आर कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या होता है लोगों का ना, एक्चुअली कॉस्टिंग भी बीत जाता है, वो लोग सीए भी बन जाते हैं, दे ऑलवेज थिंक जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड को प्रोडक्ट्स इज द सेम थिंग, इट इज नॉट द सेम थिंग। को प्रोडक्ट्स आर बेसिकली दोस प्रोडक्ट्स जो अलग अलग भी बन सकता था, लेकिन शायद मैं इकट्ठा बना रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी सपोज बाटा कंपनी है जो शूज बनाती है, ठीक है, वो लोग 9 नंबर का शूज भी बना रहे हैं, 10 नंबर का शूज भी बना रहा है। अगर वो चाहे तो सिर्फ 9 नंबर का भी शूज प्रोड्यूस कर सकता है, अगर वो लोग चाहे तो सिर्फ 10 नंबर का शूज भी प्रोड्यूस कर सकता है। दीज आर को प्रोडक्ट्स। ओके, को प्रोडक्ट्स आर दोस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो अलग अलग बन सकता था लेकिन शायद हम लोग इकट्ठा वो बना रहे, वो जॉइंट प्रोडक्ट्स नहीं होता। जॉइंट प्रोडक्ट्स आर दोस विच हैव टू बी प्रोड्यूस टुगेदर, विच हैव टू बी प्रोड्यूस टुगेदर। ओके, आई कैन गिव यू सो मेनी एग्जाम्पल्स कि जहां पर ना प्रोसेस एक होता है लेकिन प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा निकलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यू ऑल कैन ट्राई टू हेल्प मी, जब भी अमूल, ओके, अमूल कंपनी AMUL, ओके, जब भी उसको प्रोसेस करता है मिल्क को, तो इतने सारे प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं। मेरे को तुम लोग प्रोडक्ट्स के नाम गिनाओ तो क्या क्या बन सकता है जब भी मिल्क को प्रोसेस करेंगे तो। बराबर, तो सबसे पहले यू ऑल मिस्ड आउट ऑन वन थिंग सर, सबसे पहले तो मिल्क ही बनेगा ना आई थिंक। ओके, मिल्क अगर वो अंदर तो वो डालोगे तो मिल्क ही बनेगा। ओके, सो देयरफॉर वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल बी मिल्क। उसके साथ इट कुड बी क्रीम, इट कुड बी बटर, इट कुड बी चीज, इट कुड बी से बटर मिल्क, ओके, ऑल दोस पर्टिकुलर थिंग, कर्ड जो दही होता है, तो दीज आर जॉइंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स लाइक दिस जहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाता है। लाइक यू नो यू माइट हैव स्टडीड दिस लाइक यू नो इन योर पास्ट ऑल्सो, जब लाइक यू नो दे ऑल प्रोसेस तो शुगर केन, ओके, शुगर केन जब भी शुगर केन जो गन्ना होता है, ओके, जब भी उसको प्रोसेस किया जाता है तो ऑब्वियसली उससे शुगर निकलता है, दैट यू ऑल आर वेल अवेयर, लेकिन साथ में एक ब्लैक कलर का लिक्विड भी निकलता है। ओके,
हाँ तो ब्राउन शुगर भी होता है, ठीक है, दैट शुगर इज ब्राउन शुगर होनी, ठीक है। फिर उसके साथ एक ब्लैक कलर का लिक्विड भी निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज मोलासेस। आई डोंट नो यू ऑल हैव हर्ड और नॉट। ओके, सो दीज यस सर, आर दोस पर्टिकुलर थिंग्स लाइक यू नो कि विच आर प्रोड्यूस्ड, बस। ओके, हम लोग कल को ये नहीं सोच सकते कि शुगर केन को प्रोसेस करेंगे और मोलासेस नहीं निकलना चाहिए, वो निकलेगा नहीं। दोस प्रोडक्ट्स विच आर एंड विच हैव टू बी प्रोड्यूस टूगेदर आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। ओके कुशाल, वी विल आंसर योर क्वेश्चन एज द चैप्टर विल बी गोइंग बाय, ऑल दो थिंग्स विल गेट आंसर, ठीक है। तो सुनो, हम लोगों ने क्रूड ऑयल खरीदा, उसको प्रोसेस किया, स्प्लिट ऑफ पॉइंट आया। स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक मेरा 60,000 रुपीज का खर्चा हो चुका था, दिस इज माई ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है। ये जो 60,000 है कैलकुलेट कैसे हुआ रहेगा, इट विल बी योर रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉस या एड स्क्रैप कॉस्ट, ठीक है। याद रखना, ओनली इंक्लूड द खर्चा टिल स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मैंने एक और नाम क्या बोला, स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मैंने एक और पॉइंट ऑफ सेपरेशन, वॉट एवर यू ऑल वॉन्ट टू बी सीन। उससे पहले वाला कॉस्ट इज कॉल्ड एज प्री सेपरेशन कॉस्ट, उसके बाद वाला कॉस्ट इज कॉल्ड एज पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, और प्री सेपरेशन कॉस्ट को हम लोग तो आपस में वी विल स्टार्ट टू कॉल इट एज ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक। अभी मेरा सबसे पहला काम आज का क्या है, सबसे पहला काम, ओके, एंड दैट इज माई बिगेस्ट वर्क फॉर टुडे। ये जो ज्वाइंट कॉस्ट का खर्चा हुआ है ना, जरा ब्रॉडली सोचो क्यों हुआ सर, क्यों हुआ। उससे पहले ये वाला कॉस्ट मेरे को जरा बोलो, इज इट अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और इज इट अ सेलिंग कॉस्ट। ये खर्चा करके आप कुछ ना कुछ बना रहे हो, कुछ ना कुछ बेच तो नहीं रहे हो, सो दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसको खर्चा करके आपने ए और बी बनाया। चलो तो लेट मी गिव यू, आप लोगों ने कितना कितना बनाया। आप लोगों ने पेट्रोल का सपोज 10,000 यूनिट बनाया, आप लोगों ने डीजल का सपोज 20,000 यूनिट बनाया, ठीक है। मेरा सबसे पहला काम एज अ टोल की क्या है, दैट इज लेट्स डिवाइड दिस 60,000 अमंग प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। कभी भी लाइफ के अंदर तुम लोग कोई कॉमन कॉस्ट को अगर डिवाइड करोगे ना, कोई भी कॉमन कॉस्ट को डिवाइड करोगे, दैट इज कॉल्ड एज अपोर्शनमेंट, दैट इज कॉल्ड एज, ये वर्ड रिपीट करो, अपोर्शनमेंट। एग्जाम्पल, अभी Yesterday, we all professors went to जुहू बीच, ओके। हम लोग कैब के अंदर गए, ओके। तो जो ओला का जो बिल आया वो 300 रुपए का आया, ठीक है। मेरे को मालूम है अगर एक बंदा जाता तो भी 300 रुपए का बिल आता, लेकिन हम लोग तीन लोग गए तो देन वी इक्वली डिवाइडेड इट, ओके। तो 300 रुपए का अगर बिल था, ठीक है, हम लोगों ने थ्री पार्ट्स के लिए डिवाइड वो कर लिया, तो 100, 100, 100। ये 100, 100, 100 का मतलब इट्स ओनली दैट 300 रुपए का कॉमन कॉस्ट, वी डिवाइडेड दैट इन थ्री इक्वल पार्ट्स, तो हर बंदा 100 रुपया दिया। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर सिर्फ अनुज जुहू बीच जाता तो 100 रुपए का खर्चा होता। तुमको समझा जो मैं बोला? अगर सिर्फ अनुज भी जुहू बीच जाता तो भी 300 रुपए का खर्चा तो होता। सो अपोर्शनमेंट इज जस्ट अ प्रोसीजर दैट वी डू, जहां पे भी ट्राई टू बी थिंकिंग कि यार कॉमन कॉस्ट को कैसे डिवाइड करें, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला काम क्या है, 60,000 रुपीज आई वुड लाइक टू डिवाइड अमंग ए एंड बी। लेकिन याद रखना, ज्वाइंट कॉस्ट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सो इट हैज टू बी डिवाइडेड अमंग आउटपुट, इट कैन नेवर एवर बी डिवाइडेड अमंग क्वांटिटी सोल्ड, इट हैज टू बी डिवाइडेड अमंग, बोलो 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 बोलो, आउटपुट। क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट का खर्चा करके मैंने कुछ ना कुछ बनाया है बेटा, कुछ बेचा नहीं है, मैंने कुछ ना कुछ बनाया है, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला काम यही है, यार ये जो ज्वाइंट कॉस्ट है ना, डिवाइड करो अमंग ए एंड बी। कोई बोलता है सर डिवाइड क्यों करने का, हम लोग ना हमेशा ऐसा बात नहीं कर सकता क्या, ए और बी बनाने के लिए 60,000 रुपए का खर्चा हुआ, ए और बी बनाने के लिए 60,000 रुपए का खर्चा हुआ, सर हम लोग ऐसे बात नहीं कर सकता, कर सकता है, हमेशा ऐसा बात कर सकता है, फिर भी ना मेरे को ज्वाइंट कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा अमंग ए एंड बी। कोई पूछता है सर क्यों डिवाइड क्यों करने का, व्हेन इट इज अ कॉमन कॉस्ट डिवाइड क्यों करें, ओके। डिवाइड करने का ओनली फॉर वन रीजन, दैट रीजन आई एम अबाउट टू टेल यू। वो रीजन ना इंस्टीट्यूट डजंट नो प्रॉपरली, वो लोग कुछ भी बेकार चीजें लिखता है, ओके। आई मीन वेरी ब्लंट व्हेन आई ट्राई टू क्रिटिसाइज द इंस्टीट्यूट, बिकॉज देर आर फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्टिंग दैट दे ऑल डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, नॉट इवन एट फाइनल सी लेवल।
नहीं क्या है, व्हेन यू विल ग्रो अप नो दोज थॉट्स विल डिस्ट्रॉय योर माइंड. सो आई एम ट्राइंग टू मेक द थिंग्स वेरी क्लियर. ओके, जॉइंट कॉस्ट क्यों डिवाइड करते हैं? इंस्टीट्यूट बोलता है टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, वो लोग बोलते हैं टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी. सब फालतू चीज. क्यों डिवाइड होता है? देयर इज ओनली वन रीजन फॉर इट एंड दैट रीजन आई एम अबाउट टू टेल यू. जरा सोचो, प्रोडक्ट ए का 10,000 यूनिट बना, प्रोडक्ट ए का 10,000 यूनिट बना. मैं 10,000 यूनिट बेचने के लिए गया ना, 10,000 यूनिट बिका ही नहीं. आउट ऑफ 10,000 ओनली 9,000 यूनिट्स वर सोल्ड. ठीक है, आउट ऑफ 10,000 ओनली 9,000 यूनिट्स वर सोल्ड. ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितने यूनिट्स का हो जाएगा? 1,000. ठीक, अब जरा सोचो, 1,000 यूनिट्स हैव टू गेट वैल्यूड एट कॉस्ट. नो, अगर तुम लोग कॉस्ट शीट भी बना रहे हो तो मेरे को 1,000 यूनिट को कॉस्ट के ऊपर वैल्यू तो करना पड़ेगा. ओके, ओनली फॉर दैट वन स्टूपिड रीजन इन योर लाइफ यू आर गोइंग टू बी थिंकिंग सर ए का कॉस्ट अलग से बताओ ना बस. ओके, ताकि मेरा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हो जाए. रेस्ट, देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कि अपने को यहां पर कभी भी अपोर्शन करने की जरूरत पड़े. मैं हमेशा ऐसा ही सोचता हूं, 60,000 रुपए का खर्चा हुआ और मैंने ए और बी बनाया, वही एक सच है. ओके, कोई ऐसा नहीं बोल सकता सर इसके अंदर से इतना खर्चा हुआ ए के लिए, इतना खर्चा हुआ बी, ऐसा है ही नहीं. क्योंकि ए अलग से बन ही नहीं सकता, बी अलग से बन ही नहीं सकता. बनेगा तो इकट्ठा ही बनेगा. हम लोग फिर भी अपोर्शनमेंट सिखाते हैं, हम लोग फिर भी अपोर्शनमेंट करते हैं, ओनली फॉर वन डैम रीजन इन योर लाइफ. एंड व्हाट इज दैट वन डैम रीजन? यार स्टॉक वैल्यू हो जाए, बस स्टॉक वैल्यू कर दो मेरे को. क्योंकि अगर कॉस्ट शीट बनाऊंगा तो भी मेरे को स्टॉक आ जाएगा बीच में, अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाऊंगा तो भी मेरे को बैलेंस शीट के अंदर मेरे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे मेरे को स्टॉक का वैल्यू तो डालना पड़ेगा. ओके, तो एग्जांपल के तौर पे मैं ना आज तुम लोगों को काफी मेथड सिखाऊंगा हाउ टू अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट. ठीक है, मैंने तुमको कोई एक मेथड सिखाया, कोई एक मेथड सिखाया, उसके हिसाब से 60,000 रुपए का ब्रेकअप ये आ गया, 36,000 रुपया 36,000, 24,000 रुपया 24,000. ठीक है, कभी जिंदगी में एक चीज मत सोच लेना, और वो क्या है ये चीज, कभी मत, सर अगर सिर्फ ए बनाता तो 36,000 रुपए का खर्चा होता क्या? नहीं भाई, ए अलग से बन ही नहीं सकता. सर अगर सिर्फ बी बनाता 24,000, नहीं यहां पे बी अलग से बन ही नहीं सकता. बनेगा तो इकट्ठा ही बनेगा, बना कुछ भी नहीं बनेगा. ठीक है, तो बोलते सर फिर ब्रेकअप क्यों करता है आप लोग? ब्रेकअप कर रहे हैं ओनली फॉर वन रीजन. बेटा ए का क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स का था? 1,000. 1,000 यूनिट्स हैव टू गेट वैल्यूड एट कॉस्ट. नो, इफ 1,000 यूनिट्स हैव टू गेट वैल्यूड एट कॉस्ट, ये वाला कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 36,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इनटू 1,000. इज दिस ओके? 36,000 इज द कॉस्ट फॉर कितना यूनिट्स यार? 10,000. 1,000 यूनिट का कॉस्ट कितना? बस ये वाला काम कर लेना, तुम्हारा अपोर्शनमेंट इज ओवर. तो अपोर्शनमेंट इज ओनली डन फॉर वन डैम सिक रीजन एंड दैट इज टू कंप्लीट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नथिंग एल्स. वरना फॉर ऑल थिंकिंग पर्पसेस बेटा 60,000 रुपीज का कॉस्ट कभी डिवाइड नहीं हो सकता है. ठीक है, एक घिसा पिटा एग्जाम्पल तो वो देता हूं, बट जस्ट ताकि दिमाग के अंदर वो रहे. व्हेन आई ट्राई टू टीच कॉस्टिंग टू यू ऑल नो, ऑनेस्टली तुम्हारा कॉस्टिंग अच्छा हो ही जाएगा, तुम्हारा एफएम भी अच्छा हो ही जाएगा, तुम्हारा अकाउंट्स भी थोड़ा बहुत अच्छा हो ही जाएगा. बिकॉज यू विल स्टार्ट टू आस्क योर प्रोफेसर्स द रीजन फॉर एवरी डैम थिंग, बिकॉज आई आस्क यू ऑल द रीजंस फॉर एवरी डैम थिंग. ओके, अभी जो हम लोग फीस चार्ज करते हैं फॉर कॉस्टिंग, हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते. सर कॉस्टिंग के लिए इतना, एफएम के लिए इतना, आपने अकाउंट्स का नॉलेज दिया तो इतना, वो सब कुछ वो नहीं कर सकते. ओके, लेकिन यहां पर मेरे को डिवाइड फिर भी करना पड़ता है ताकि मेरा बस क्या वैल्यू हो जाए, स्टॉक, और कुछ नहीं है. ठीक, सो अभी तक एक छोटा सा चीज एंड दैट इज व्हाट, जॉइंट कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड टिल स्प्लिट ऑफ पॉइंट. इट इज अ कॉमन कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड टिल स्प्लिट ऑफ पॉइंट. अपने को डिवाइड करना पड़ता है ओनली फॉर वन रीजन एंड दैट रीजन इज वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड नथिंग एल्स. ठीक है, अच्छा अभी को बोलते हैं सर हाउ टू डिवाइड. अभी हाउ टू डिवाइड ना, उसके लिए कोई रूल नहीं है. अभी बीच में देयर वाज अ प्रपोजल कि जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लाएंगे.
लेकिन वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शायद कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाया. तो एज सच देर इज नो रूल हाउ टू डिवाइड ज्वाइंट कॉस्ट. देर आर फ्यू पॉपुलर मेथड्स विच आर देयर, यू फॉलो दोज मेथड्स. कोई बोलता है सर मेरे को मेथड अपना नहीं फॉलो कर, मेरे को अगर ये वाले मेथड नहीं फॉलो, तो आप अपना मेथड फिर वो बना लो. देन बिकॉज देर इज नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट गवर्न्स दिस. ओके, सो एज सच द ऑप्शन इज लेफ्ट अपॉन यू. यू कैन फॉलो एनी मेथड दैट यू वॉन्ट इन अ कंसिस्टेंट वे. तुम लोग अपना मेथड भी बना सकते हो. सो लेट मी स्टार्ट अवे विद द मेथड. तो तुम्हारे स्टेबल के अंदर देखो मैंने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स अकाउंटिंग पार्ट. ओके, मैं तुमको एक चीज बोलता हूं, इफ यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट बी स्लाइटली बेटर. मैं तुमको अकाउंट्स बहुत कम सिखा रहा हूं. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू ऑल अकाउंट्स एंड एंट्रीज फॉर एवरीथिंग. आई एम टीचिंग यू कॉस्टिंग विच इज बेसिक पार्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस. इन केस यू वॉन्ट टू रन योर बिजनेस, नो तुमको अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट जिंदगी में काम नहीं आएगा. तुमको जो काम आएगा दैट विल बी दिस सब्जेक्ट प्लस से एफएम, दैट इज योर स्टॉक मार्केट्स वाला पार्ट, प्लस इस सब्जेक्ट का जो फाइनल सीए के अंदर पार्ट है दैट डील्स विद हाउ टू रन योर बिजनेस, हाउ टू मेक योर बिजनेस बेटर, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स दैट द कस्टमर थिंक्स, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स दैट अ बिजनेसमैन थिंक्स. ओके, आई एम कंटिन्यूइंग नाउ. देखो, अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. सो लेट मी ट्राई टू टेल यू अपोर्शनमेंट. अपोर्शनमेंट टर्म जिंदगी में आज के बाद कभी भी आया ना, ओके, सोच रहा कुछ एक कॉमन कॉस्ट है, ओके, और उसको डिवाइड करने का है. ठीक है, तो सबसे पहले आई एम टॉकिंग ऑफ अ मेथड विच इज कॉल्ड एज आउटपुट मेथड, विच इज कॉल्ड एज आउटपुट मेथड. एज द नेम सजेस्ट, आउटपुट मेथड के अंदर क्या कर लेने का, डिवाइड जॉइंट कॉस्ट अमंग योर जॉइंट प्रोडक्ट्स इन द रेशियो ऑफ आउटपुट. बस काम खत्म हो गया, माय मेथड इज ओवर. तो मेरे को अभी सब लोग अपने पर्सनल मुंह से बोलना, मेरे को बोलो विच नंबर शुड बी डिवाइडेड इन व्हाट रेशियो. बोलो 60,000 शुड गेट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:2. नो, ओके, बस दिस इज नथिंग बट योर आउटपुट मेथड. ठीक है, मैं अभी क्या करने जा रहा हूं ध्यान से सुनना. प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, आई एम राइटिंग टोटल ओवर हियर जॉइंट कॉस्ट. जॉइंट कॉस्ट जो है वो 60,000 रुपीज का है. सर मेरे को जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करने का है. जॉइंट कॉस्ट अगर आप लोग आउटपुट मेथड के हिसाब से अपोर्शन करोगे ना, इट विल गेट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ आउटपुट. नाम से भी वही पता चलता है, 10,000:20,000 बोले तो 1:2. तो ए के हिस्से के अंदर 20,000 रुपया आ जाएगा, बी के हिस्से के अंदर 40,000. ठीक है, ध्यान से सुनना सब लोग. ए को 20,000 रुपए का जॉइंट कॉस्ट मिला. मेरे को बोलो ए का कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया था, 10,000, और बी का कितना, 20,000. बस तो अब जरा सोचो हर एक यूनिट ऑफ ए को कितने रुपीस का जॉइंट कॉस्ट मिला बेटा, 2 रुपीस. हर एक यूनिट ऑफ बी को कितने रुपीस का जॉइंट कॉस्ट मिला, 2 रुपीस. दिस इज फीचर ऑफ आउटपुट मेथड. अगर कभी आउटपुट मेथड फॉलो करोगे ना, each and every product will get same joint cost per unit because you are dividing in the ratio of number of units. ऐसा अपने साथ कल chair वाले question के अंदर भी तो हुआ था ना. We are divided in the ratio of units only because we wanted to give same cost per unit, not to all the chairs, क्योंकि all the chairs that were getting produced were same only यार. ठीक है, तो अब जरा सोचो अगर कभी आउटपुट मेथड फॉलो किया, ऑल योर प्रोडक्ट्स विल गेट द सेम जॉइंट कॉस्ट. डू यू ऑल एग्री दिस? तो इफ यू ऑल एग्री टू दिस, देन लेट मी टेल यू दैट दिस इज द वर्स मेथड दैट इज देयर. तो बोलते सर व्हाई वर्स? क्योंकि इस मेथड का एक इंपैक्ट होगा, और वो इंपैक्ट क्या होगा, ऑल द प्रोडक्ट्स विल गेट द सेम जॉइंट कॉस्ट. व्हेन द हेल यू वुड लाइक टू गिव सेम जॉइंट कॉस्ट टू प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी? Sir, I would like to give same joint cost to product A and product B when all my products are almost of the same type. Agar product A or product B almost same hai, they should be getting the same joint cost. Varra, we say what a ridiculous method. Beta, A something like petrol, B something like diesel. Are they same products? No.
Should they get the same cost? No. So given a choice, we say this is the most फालतू method that is there. Okay. ये वाला method तुम लोग exams के अंदर दो cases के अंदर ही follow कर सकते हो. First sum के ना print करके दिया. Follow output method. Then तो follow नहीं नो instructions के ऊपर तो कुछ है ही नहीं. वरना sum के अंदर एक line आई. Joint products produced are almost same. Okay. In that particular case, also you can follow this particular method. लेकिन जब तक ये वाला लाइन नहीं आता है, till that particular time, you cannot be following this particular method. Okay. Is that okay? Kushal, all the questions please you ask whenever I will get time in middle. Not right now, please. ठीक है? So, in this particular case, this is nothing but your output method. Output method in this particular case, याद रखना, only does one thing and every other method will only do one thing, will give you some nonsense breakup of this joint cost bus. And this nonsense breakup you are only doing ताकि तुम्हारा यहां पर आगे बोलो ना तुम्हारा stock value हो जाए, बस that's it and nothing else. ठीक है? Now, ये हो गया तुम्हारा ये एक चीज. ठीक है? याद रखना, you are not spending anything for A especially. You are not spending anything for B especially. ठीक है? You are spending one common cost for A and B both. ठीक है? But you still want to, in this case, find out the cost only for one damn stupid reason. And that is for valuation of stock and nothing else. तो output method, दो ही cases के अंदर follow कर सकते हो. मेरे को बोलो, वो दो cases क्या हैं? First, it is mentioned in the problem. Second, when the products produced are same. Sum के अंदर लिखा हुआ है, product A, product B, okay, are almost same. अगर उन लोगों ने कभी ऐसा वो लिखा हुआ है, only then in that particular case, you can follow this particular method. वरना ये वाला method नहीं follow करने का, ठीक? अच्छा, ये लिखा है कि लिखना पड़ेगा? There is nothing to be written. Whatever is to be written, I will dictate that, ठीक है? Okay. Nothing is to be written. So, आगे, अगर ये worst method है, तो then let me go over to the best particular method. लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, no matter, even if I tell you this is the best method, no, okay, no matter whatever I tell you, example, मैं तुमको बीच में ऐसा बोला, suppose कोई एक best method के हिसाब से इधर 24,000 आ गया, इधर 36,000 आ गया, please कभी ये मत सोच लेना, sir, अगर A बनाता तो 24,000 रुपए का खर्चा होता, अगर B बनाता तो 36,000 रुपए का, ऐसा हो ही नहीं सकता था. मेरे को बोलो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि A and B are joint products. बस, okay, बनेंगे तो इकट्ठे ही बनेंगे, 60,000 रुपीस का ही खर्चा होगा, ठीक? So let me go over now in this case to the best method. This best method in this particular case is going to be called as sales value of output method. It is called as sales value of output method, ठीक? This is the best method, okay? Although इसके भी थोड़े से वो variety वगैरह आई बाद में. बेस्ट मेथड. अभी ये वाला मेथड जो है काम कैसे करता है, तो आई एम अबाउट टू बी टेलिंग यू दैट. देखो, अभी उसके लिए मेरे को तुमको कुछ और डेटा भी देना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट. जैसे ही ए बनता है, मेरे को बोलो, मेरे एग्जांपल के ना ए का कितना यूनिट्स बना? 10,000. ठीक है? नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, जैसे ही प्रोडक्ट ए बना ना, अगर मैं उसको पैक करके बेच देगा ना, तो वो 6 रुपए के ऊपर बिक सकता है. ठीक है? वो 6 रुपए के ऊपर बिक सकता है. ठीक? अगर मैं बी को जैसे ही बना पैक करके बेचेगा, तो वो 1.5 रुपए के ऊपर बिक सकता है. व्हाट आर दीज? दीज आर टेक्निकली कॉल्ड एज सेलिंग प्राइसेस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब क्या होता है? जैसे ही प्रोडक्ट्स बने अगर बिक जाएंगे, तो भाई किस प्राइस के ऊपर बिक सकते हैं? ठीक है? दीज आर कॉल्ड एज सेलिंग प्राइसेस एट, बोलो आगे, सेलिंग प्राइसेस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. ठीक है? तो सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर 6 and 1.5. ठीक? अभी अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करेगा ना, याद रखना, मेरे को सेल्स नहीं मिलता बेटा. Sales is quantity sold into selling price. I have multiplied output into selling price. ठीक है? तो जब मैं ये दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे को जो मिलता है, that is called as sales value of output. मेरे को जो मिलता है, that is called as, बोलो,
सेल्स वैल्यू मतलब आउटपुट का सेल्स वैल्यू कितना है, याद रखना। एक सब लोग मेरे को जरा बोलो, हाउ डू यू गेट सेल्स इन रियल लाइफ? क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस। आई हैव नॉट मल्टीप्लाइड क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेलिंग, आई हैव मल्टीप्लाइड आउटपुट इनटू सेलिंग प्राइस। को बोलते हैं सर व्हाई द हेल यू हैव टेकन आउटपुट, बिकॉज जॉइंट कॉस्ट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इट हैज टू बी डिवाइडेड अमंग आउटपुट, इट हैज टू बी डिवाइडेड अमंग आउटपुट। ओके, बस मेरा काम हो गया। तो अगर कोई मेरे को पूछेगा ए का सेल्स वैल्यू कितना, तो मैं बोलेगा 60,000। कोई मेरे को पूछेगा बी का सेल्स वैल्यू कितना, तो मैं बोलेगा 30,000। माई जॉब इज ओवर। अभी एक लाइन बोलता हूं, यू हैव टू कंप्लीट दैट लाइन विद नंबर्स। अंडर सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड डिवाइड जॉइंट कॉस्ट अमंग द जॉइंट प्रोडक्ट्स इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो मेरे को जरा बोलो विच नंबर विल गेट डिवाइडेड इन व्हाट रेशियो? 60,000 विल गेट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ, बोलो 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 बोलो, 2:1। दैट 2:1 कम्स फ्रॉम 60,000 एंड 30,000। बस माय जॉब इज ऑल टुगेदर डन। इफ माय जॉब इज डन, लेट मी डू द कैलकुलेशंस आल्सो देन। ठीक है, तो 60,000 जब 2:1 की रेशियो के अंदर जाएगा, तो ए को 40,000 रुपए का जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगा, बी को कितने रुपीज का जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगा? 20,000। इज दिस ओके? Why do I say this is my best method? I'll tell you. A को 40,000 रुपए का joint cost मिला, कितने units of A के लिए? 10,000। तो हर एक unit के लिए, हर एक unit of A को कितने rupees का joint cost मिला बेटा? 4। हर एक unit of B को कितने rupees का joint cost मिला? 1। I'll tell you the beauty of this particular method. A has got 4 times the joint cost as compared to B. Because A selling price was 4 times that of B. Did you all understand? Chalo, suno. Abhi, I'll repeat this particular kind of the conversation that we all had. We are doing sales value at output method. Theek hai? Sales value of output method. Sales value of output method kya bolta hai? Aap log output lo. Selling prices se multiply karo. To aap logo ko kya mil jayega? Sales value of output. याद रखना, दिस इज नॉट सेल्स फॉर द पीरियड। ओके, दिस इज नॉट सेल्स फॉर द पीरियड, दिस इज सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट बिकता तो कितने के अंदर बिकता? तो जितना भी ये वाला फिगर जो है वो आ जाता है, ओके, 60,000, 30,000। वी डिवाइड द जॉइंट कॉस्ट अमंग ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, 2:1। अगर मैंने कभी ऐसा किया तो मेरा जॉइंट कॉस्ट का 60,000 रुपीज का जो ब्रेकअप है वो कितना हो जाएगा? 40,000 एंड 20,000। दिस विल बी माय बाइफर्केशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, तो 60,000 रुपीज का जॉइंट कॉस्ट डिवाइड हो जाएगा अमंग ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब मेरे को सब लोग जरा बोलना, मतलब ए को 40,000 रुपीज का जॉइंट कॉस्ट मिलेगा, इज दैट ओके और नॉट? अच्छा, मेरे को बोलो कितने यूनिट्स ऑफ ए के लिए? 10,000 ना, 10,000 ना। तो एवरी यूनिट ऑफ ए विल गेट 4 रुपीज ऑफ जॉइंट कॉस्ट, एवरी यूनिट ऑफ बी विल गेट 1 रुपी का जॉइंट कॉस्ट। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, बराबर से सुनना। ए हैज गॉट 4 टाइम्स द जॉइंट कॉस्ट एज कंपेयर टू बी, बिकॉज एज सेलिंग प्राइस वॉज 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। तुमको समझा जो मैंने बोला? ठीक है, वी से दिस इज द बेस्ट मेथड। वाई डू वी से दिस इज द बेस्ट मेथड? बिकॉज वी से अगर तेरे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना, देन यू शुड गिव इट मोर कॉस्ट ऑल्सो। ओके, तो अगर ए का सेलिंग प्राइस इज 4 टाइम्स दैट ऑफ बी, अगर ए का सेलिंग प्राइस इज 4 टाइम्स दैट ऑफ बी, तो ए शुड बी गेटिंग द कॉस्ट विच इज 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। ओके, वी से मोस्ट जस्टिफाइड मेथड। अगर मेरे को कोई सम के अंदर कोई हिंट नहीं है, मेरे को अगर सम के अंदर कभी भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया रहता ना हाउ टू डिवाइड द जॉइंट कॉस्ट, ओके, I will always follow sales value method only. Sales value method is arguably the best method. Okay. तो एक मिनट, मेरे को दो लाइन जरा कंप्लीट करके दो। अंडर आउटपुट मेथड, अंडर आउटपुट मेथड ऑल द प्रोडक्ट्स विल गेट, ट्राई टू कंटिन्यू, सेम जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट। Therefore, this method should only be followed when products produced are same. Okay. या फिर से similar. Okay. बट अंडर सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड, देखो ये वाला लाइन सबको समझ में आता है कि नहीं, प्रोडक्ट्स विल गेट द जॉइंट कॉस्ट
इन द प्रपोर्शन टू देयर सेलिंग प्राइसेस. ये लैंग्वेज समझा सबको? हाँ सर. तो अगर ए का सेलिंग प्राइस, अगर ए का सेलिंग प्राइस इज फोर टाइम्स दैट ऑफ बी, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पर ए विल गेट द जॉइंट कॉस्ट विच इज फोर टाइम्स दैट ऑफ बी. दिस इज द बेस्ट मेथड दैट वी ऑल हैव. गिवन अ चॉइस आई वुड ऑलवेज लव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर मेथड. ओके. अच्छा, सम पीपल नो हैव दिस स्ट्रेंज नोशन एंड आई डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली फ्रॉम वेयर सच नोशंस कम. ओके. हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर बार बार कॉस्ट निकाल रहे हैं. ओके. बार बार कॉस्ट निकाल रहे हैं. कोई बोलता है कि सर हम लोग कॉस्ट इसलिए निकालते हैं ताकि इन दिस पर्टिकुलर केस अपने को सेलिंग प्राइस मिल जाए. बेटा ऐसा जरूरी नहीं होता कि कॉस्ट निकालने के बाद ही सेलिंग प्राइस मिलता है. आई गिव यू माइट बी द बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन बी थिंकिंग. अभी इन मुंबई हमारा एक सेंटर इज इन अंधेरी. अंधेरी के बाहर एक सैंडविच वाला बैठता है, ठीक है. वो अपने को सैंडविच 30 रुपए का बेचता है, 30 रुपीज का. अभी जरूरी थोड़ी है ये सेलिंग प्राइस 30 रुपीज फिक्स करने से पहले उसने अपना कॉस्ट ही निकाला रहेगा. आलू का कॉस्ट कितना हुआ, ब्रेड का कॉस्ट कितना हुआ, ही माइट नॉट बी डूइंग दैट. ओके. ही जस्ट ट्राइज टू बी थिंकिंग यार मेरे प्रोडक्ट का डिमांड है, मैं 30 रुपए के अंदर बेच सकता हूं, कॉस्ट जो मर्जी हो, लेकिन मैं सेलिंग प्राइस ज्यादा रखूंगा, ऑटोमेटिकली कॉस्ट विल गेट रिकवर्ड. कॉस्ट जितना भी हो विल गेट रिकवर्ड. ओके. जब वो बंदा फर्स्ट टाइम हमारी क्लास के बाहर हुआ आया था, वो सेम जो सैंडविच है वो 8 रुपए का तो वो बेचता था. अभी 8 रुपए के ना शायद उसको प्रॉफिट होता हो, शायद उसको लॉस होता हो, उसको शायद पता भी नहीं चलता होगा. ओके. बट देन इट इज नॉट नेसेसरी इन लाइफ दैट टू कंप्यूट द सेलिंग प्राइस यू रिक्वायर कॉस्ट. नो, तुमको समझा जो मैंने बोला? तो डोंट हैव दिस पर्टिकुलर नो, जब तक कॉस्ट नहीं निकालते तब तक सेलिंग प्राइस वो कैसे मिलेगा. अरे तो उसमें क्या हो गया? ओके. एग्जाम्पल अभी नहीं, आई गिव दैट एग्जाम्पल तो आफ्टर सम टाइम, मेरे को वो वाला एग्जाम्पल वो नहीं बोलने का है. ओके. तो अभी तक आई हैव टॉट टू मेथड. ओके. वन इज आउटपुट मेथड, वन इज नथिंग बट सेल्स वैल्यू मेथड. अभी सेल्स वैल्यू मेथड इज आर्ग्यूबली द बेस्ट मेथड, लेकिन ना कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है कि आप सेल्स वैल्यू मेथड नहीं फॉलो कर सकते. तो बोलते सर क्यों नहीं फॉलो कर सकते, इन रियल लाइफ भी फॉलो नहीं कर सकते कभी कभी. अभी कभी कभी क्यों? ओके. तुमको एक एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना, सॉलिड एग्जाम्पल देगा. अभी यहां पर कुछ ऐसा हुआ, हम लोगों ने जॉइंट कॉस्ट का खर्चा किया, 60,000 रुपीज का जॉइंट कॉस्ट का खर्चा किया. ए बना बी बना, ए इज पेट्रोल बी इज डीजल. जैसे ही डीजल बनता है अगर उसको बेच देगा तो मेरे को 1.5 रुपया मिल जाता है. ये वाला 1.5 रुपया मेरे को बोलो, दिस 1.5 इज कॉल्ड एज व्हाट? मैंने इसको कुछ नाम दिया था, सेलिंग प्राइस. आगे बोल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. ठीक है, मतलब जैसे ही प्रोडक्ट बना अगर बेच देते हो तो कितने का बिक जाता है? 1.5. ठीक है, तो डीजल का सेल्स वैल्यू 30,000 रुपीज का है. डीजल का सेल्स वैल्यू 30,000 रुपीज का है. ठीक, सुनते रहो वो बराबर से. अभी ये वाला जो पेट्रोल बनता है ना, ठीक है, दिस पेट्रोल, ध्यान से सुनना और ये सच्ची चीज है, वट एवर आई एम अबाउट टू टेल यू ऑल. ये वाला जो पेट्रोल है ना, दिस इज लेडेड पेट्रोल, लेडेड पेट्रोल. इसके अंदर ना हार्मफुल लेड होता है. ओके. इन रियलिटी भी जब आप क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हो ना, तो जो पेट्रोल निकलता है उसके ना हार्मफुल एलिमेंट लेड का होता है. इंडिया में 2001 से पहले मार्केट के अंदर जो भी पेट्रोल बिकता था ना, लेडेड पेट्रोल ही होता था, लेकिन उससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता था. सो इंडिया इन 2001 हैड साइंड अ ट्रीटी वेयर बाय इट वॉज एग्रीड बाय इंडिया इन मेनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड कि वो लोग ना लेडेड पेट्रोल का सेल बंद कर देगा. ठीक है, वो लोग ना अनलेडेड पेट्रोल बेचेगा. अनलेडेड पेट्रोल मतलब बिफोर यू सेल इट ऑफ इन द मार्केट यू रिमूव दैट हार्मफुल एलिमेंट लेड. तो अब जरा सोचो, अभी ये वाला जो कंपनी है आज भी जॉइंट कॉस्ट का खर्चा करता है 60,000 रुपए का. ठीक है, 60,000 रुपए का, और ए और बी बनता है, लेकिन ए कौन सा वाला पेट्रोल है? लेडेड पेट्रोल. ए कौन सा वाला पेट्रोल है?
लेडेड पेट्रोल, अभी जरा सोचो लेडेड पेट्रोल आज की डेट में मार्केट के अंदर बिक नहीं सकता ना, तो फिर मैं उसका सेलिंग प्राइस किधर से लेके आऊं, क्योंकि वन रूल आई कैन ओनली फॉलो सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड व्हेन आई हैव दिस पर्टिकुलर फिगर. व्हाट इज दिस पर्टिकुलर फिगर कॉल्ड, बोलो? सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. जब तक वो वाला फिगर नहीं है तब तक तू सेल्स वैल्यू मेथड फॉलो ही नहीं कर सकता. तो जरा सोचो अगर ऐसा होगा तो मेरे को बोलो आउट ऑफ ए एंड बी कौन से प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू मेथड है? बी का. लेकिन जब तक ए का नहीं है तो तब तक मैं क्या करूं फिर? ओके, तो तब तक मैं क्या करूं फिर? तो मैं सोचता हूं नहीं यार मेरे को तो ना फिर भी सेल्स वैल्यू मेथड ही फॉलो करने का है. कोई बोलता है सर कैसे फॉलो करेगा, तेरे पास सेलिंग प्राइस और स्प्लिट ऑफ पॉइंट नहीं है. तो फिर मैं सोचता हूं ये जो लेडेड पेट्रोल निकलता है अभी मैं उसको रोड पर बहा तो नहीं देता होगा, मेरे को बोलो मैं इसके साथ क्या करता होगा? मैं ना इसको प्यूरिफाई करता है. ठीक है, आई प्यूरिफाई इट. ओके, आई टेक इट टू वन ऑफ माय प्रोसेसेस, लेट मी कॉल दैट एज अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. ठीक है, इन दैट प्यूरिफिकेशन प्रोसेस वी रिमूव दैट हार्मफुल एलिमेंट लेड फ्रॉम हियर. ठीक है, ये प्रोसेस का खर्चा भी तो आएगा. सपोज 25,000 रुपए का खर्चा आता है वो लेड वगैरह निकालने का, और ये सारे के सारे कन्वर्जन के अंदर 10,000 के अंदर से 2,000 लीटर खराब हो जाता है. ठीक है, अभी जैसे ही 2,000 लीटर खराब हुआ, ठीक है, और 25,000 रुपए का खर्चा हुआ, उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट बाहर आएगा? अनलेडेड पेट्रोल. मैं अनलेडेड पेट्रोल को ना मेरा प्रोडक्ट सी बोल देता हूं. ठीक है, मैं उसको मेरा प्रोडक्ट क्या बोल देता हूं? सी बोल देता हूं. इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर ये जो सी है ना, दिस इज नथिंग बट अनलेडेड पेट्रोल. अभी सब लोग मेरे को जरा बोलो सी का आउटपुट कितना आया रहेगा? 8,000. अभी मेरे को जरा बोलो किसका सेलिंग प्राइस तुम लोग मेरे को बता ही नहीं सकता? ए का. लेकिन तुम लोग मेरे को किसका सेलिंग प्राइस बता सकता है इन रियल लाइफ? सी का. ए नहीं बिक सकता, बी तो बिक सकता है ना. तो चलो फिर मैं तुमको सी का सेलिंग प्राइस बताता हूं. सी कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट द रेट ऑफ ₹10. दिस इज 80,000 rupees. ठीक है, तो मेरे को जरा बोलो ए नहीं बिक सकता लेकिन सी तो बिक सकता है, कितने रुपीज के अंदर? बोलो. 80,000. लेट्स टेक द टोटल फिगर. सो देयरफॉर 80,000 rupees के अंदर. ठीक है, अभी तुमको एक सॉलिड क्वेश्चन में पूछने वाला है, आंसर करना. तुमको झगड़ा करना है मेरे साथ तो करो, आई एम ऑलवेज ओपन टू दैट, आई लाइक झगड़ा. इफ आई एवर आस्क यू, यू नेम मी द जॉइंट प्रोडक्ट्स, मेरे को जरा बोलो तुम्हारे जॉइंट प्रोडक्ट्स का नाम क्या है? ए और बी के सी एंड बी, सोच के बोलना. ए एंड बी के सी एंड बी, ए एंड बी, याद रखना हमेशा ए एंड बी. मेरा जॉइंट कॉस्ट का खर्चा करके क्या बना था? ए एंड बी. ऑल्दो ये बात अलग है कि जो भी कॉस्ट ए को चार्ज होएगा ना वो अल्टीमेटली सी को ही चार्ज होएगा. Yes. समझा तुम लोगों को? लेकिन मेरे जॉइंट प्रोडक्ट्स का नाम क्या है? ए एंड बी. इज दैट अंडरस्टूड? तो मेरे को ना जॉइंट कॉस्ट अभी भी ए और बी के अंदर ही डिवाइड करने का है, तो मेरे को अभी भी ना सेल्स वैल्यू जो है ना बेटा ए और बी का ही चाहिए. सर बी का तो है ना आपके पास, है ना यार, तो 30,000, लेकिन मेरे पास ए का सेल्स वैल्यू नहीं है. ओके, आई ट्राई टू बी थिंकिंग, नहीं है तो मैं लेकर आऊंगा. साइलेंट प्लीज. तो मेरे पास ए और बी के जॉइंट, ए और बी का मेरे को सेल्स वैल्यू चाहिए. मेरे पास बी का तो सेल्स वैल्यू है, आई ट्राई टू बी थिंकिंग ए का सेल्स वैल्यू लेकर आओ. अरे ए का सेल्स वैल्यू किधर से लेके आऊं, क्योंकि ए तो बिक नहीं सकता. अगर ए बिक नहीं सकता तो भी तो उसका सेल्स वैल्यू लेकर आओ. सर किधर से लेके आऊं? फिर अभी तो एक सपना दे, और सपना तुमको ऐसा ही लेने का है, कोई विचित्र सपना नहीं लेने का है. जो मैं बोल रहा हूं तुम्हारे सपने के अंदर वही आना चाहिए. मेरे को जरा बोलो अगर ए नहीं बिक सकता, सी तो बिक सकता है, मेरे को बोलो कितने के अंदर? 80,000. अब जरा सोचो अगर मैं ध्यान से सुनना, अगर मैं सी को बेचता तो 80,000 रुपए के अंदर बेचता, अगर मैं सी को बगैर प्रोसेस किए एक ही फॉर्म के अंदर ही बेच देता तो मेरा बीच में 25,000 रुपए का खर्चा नहीं होता. सबको समझा? तो अगर मैं सी को एक ही फॉर्म के अंदर ही बेच देता तो कितने का बेच देता? 55,000.
क्योंकि फिर मेरा 25,000 का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता, तो फिर मैं कस्टमर से एक्स्ट्रा 25,000 रुपए नहीं रिकवर करता ना। तो अगर 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 सी को एक ही फॉर्म के अंदर ही बेच देता तो कितने रुपीज का बिक जाता, बोलो सब लोग। 55,000। दिस 55,000 इज कॉल्ड एज रफ सेल्स वैल्यू। रफ सेल्स वैल्यू इन कॉस्टिंग वी ऑल कॉल्ड एज नोशनल सेल्स वैल्यू। नोशनल मतलब रफ फिगर बस। ओके चुप कर थोड़ी देर। ओके, दिस पर्टिकुलर फिगर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज नोशनल सेल्स वैल्यू। ठीक है, अभी मेरे को तुम लोग एक चीज कभी नहीं पूछ सकते, और वो क्या है, सर प्रूफ करो ये वाला फिगर करेक्ट है। मैं कभी प्रूफ जिंदगी में कर ही नहीं सकता कि ये वाला फिगर करेक्ट है। तो बोलते क्यों सर, प्रूफ तो आपको वो करना पड़ेगा। मैं नहीं प्रूफ कर सकता, मैं खुद ही तो बोल रहा हूं दिस इज अ रफ फिगर। ओके, द ओनली वे टू प्रूव दैट दिस फिगर इज करेक्ट इज दैट यू शुड हैव ए का सेल्स वैल्यू। और अगर मेरे पास ए का कभी सेल्स वैल्यू होता, आगे बोलो तो मैं कभी नोशनल सेल्स वैल्यू निकालता ही नहीं ना। तुमको समझा मैंने क्या बोल डाला? अच्छा, मेरे को तुम लोग कई चीजें जरा बोलो, ए का सेल्स वैल्यू कितना है? ए का सेल्स वैल्यू नहीं मालूम तेरे को, ए का सेल्स वैल्यू तेरे को नहीं मालूम, क्योंकि ए कैन नॉट बी सोल्ड एज स्प्लिट ऑफ पॉइंट। समझा? तो ए का सेल्स वैल्यू तेरे को नहीं मालूम, तू उसको आगे प्रोसेस करेगा। सी का सेल्स वैल्यू कितना है, तो वो तो बोलो 80,000। अगर मैं सी बेचता तो 80,000 का बेच देता। अगर सी को एक ही फॉर्म के अंदर ही बेचता, मैं ऐसा सपना लेता है, अगर सी को एक ही फॉर्म के अंदर ही बेच देता तो मेरा बीच में 25,000 रुपए का खर्चा नहीं होता, तो मैं आगे कस्टमर को 25,000 रुपए नहीं चार्ज करता। तो अगर मैं सी को एक ही फॉर्म के अंदर बेच देता तो कितने रुपीज का बेच देता? 55,000। बस दिस 55,000 इज कॉल्ड एज विच वैल्यू, मेरे को नाम बताओ। नोशनल सेल्स वैल्यू। एंड अगेन, इफ आई माइसेल्फ आई एम टेलिंग यू दिस इज अ रफ फिगर, यू कैन नॉट आस्क मी टू बी प्रूविंग इट। ओके, मैं खुद ही बोल रहा हूं यार, इट इज अ रफ फिगर, माई जॉब इज डन। डिवाइड जॉइंट कॉस्ट अमंग ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 55,000 इज टू 30,000। दिस इज नोशनल सेल्स वैल्यू। अभी कई लोग को फिर भी दिक्कत होती है, को बोलता है सर आपने गलत सिखाया, आप एक जगह पे नोशनल सेल्स वैल्यू लेते हो, एक जगह पे सेल्स वैल्यू लेते हो। तो देन आई टेल यू वन मोर थिंग, जो मॉड्यूल भी बराबर से वो नहीं बोलता, नोशनल सेल्स वैल्यू इज नॉट सम थर्ड मेथड, इट इज सेल्स वैल्यू मेथड ओनली, बट वी सब्स्टिट्यूट सेल्स वैल्यू बाय अ रफ फिगर इफ सेल्स वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। इज दिस ओके फॉर यू? अगर तेरे पास सेल्स वैल्यू नहीं होगा, यू सब्स्टिट्यूटेड बाय नोशनल सेल्स वैल्यू। दिस इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो मॉड्यूल के अंदर भी नहीं है। ओके, तो प्लीज कभी ये मेरे को मत बोल देना सर इसके लिए नोशनल सेल्स, इसके लिए सेल्स। बेटा ये भी सेल्स वैल्यू ही है, बट इट इज एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू। तुम लोग उसको रफ सेल्स वैल्यू बोल दो, तुम लोग उसको नोशनल सेल्स वैल्यू बोल दो। कई अच्छा सुन, अभी ये बंदा क्या क्वेश्चन पूछता है, सर ये 8,000 ये 10,000, तो एक लाइन बोलता हूं जो सब लोगों को समझ में आएगा। 8,000 यूनिट्स ऑफ सी आर इक्वल टू 10,000 यूनिट्स ऑफ ए, नो? यस। तुमको ये लाइन समझा जो मैंने बोला? बेटा 10,000 यूनिट ऑफ ए से ही 8,000 यूनिट ऑफ सी निकला है ना। yes, sir, yes. तो 8,000 यूनिट्स ऑफ सी आर इक्वल टू 10,000 यूनिट्स ऑफ ए। तो जिस बंदे ने डाउट पूछा, आई होप आई आंसर्ड हिम, इज दैट ओके? ठीक है, ओके। तो इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज माय नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड। ठीक है, अभी मैंने गला फाड़ के तो सॉलिड चलाया, अभी तुमको एक चीज के लिए गला वो फाड़ना पड़ेगा। ट्राई करना, मैं सॉलिड क्वेश्चन पूछता है, मैं वो क्वेश्चंस कभी पूछता ही नहीं जिसका आंसर एक्चुअली यू ऑल विल नो। ओके, मैं क्वेश्चन पूछने वाला है, नोशनल सेल्स वैल्यू के अंदर मैंने क्या बोला, सोचना पहले। मैं वो वाला लाइन रिपीट करता है, फिर क्वेश्चन पूछता है। ए इधर नहीं बिक सकता, चल सी इधर बिक सकता है, सी इधर बिकेगा 80,000 के अंदर। अगर सी को एक ही फॉर्म के अंदर ही बेच देता तो मेरा 25,000 रुपए का खर्चा नहीं होता, तो मैं कस्टमर से 25,000 रुपए नहीं रिकवर करता। तो अगर मैं सी को एक ही फॉर्म के अंदर ही बेच देता तो 55,000 रुपए का बेच देता। इज दिस लाइन क्लियर टू एवरीबडी? व्हाट इज द अजम्पशन इन दिस लाइन? दैट इज माय क्वेश्चन, व्हाट इज द अजम्पशन इन दिस लाइन? आई हैव मेड सम अजम्पशन,
सुनो, कई लोगों ने वो करेक्ट बोला, देर इज नो प्रॉफिट ऑन 25,000 रुपीज का कॉस्ट। तुमको समझ में आएगा मेरा दो लाइन, और तुमको ये वाला अजम्पशन भी फिर समझ में आ जाएगा। अगर मैं सी बेचता, मेरे को बोलो कितने में बेचता, 80,000। अगर मैं सी को एक ही फॉर्म के अंदर ही बेच देता तो मेरा बीच में 25 का खर्चा नहीं होता, तो फिर मैं कस्टमर से एक्स्ट्रा 25 ही रिकवर नहीं करता। मतलब मैं ए से 55,000 रुपीज ही ए के लिए चार्ज करूंगा, मतलब 25,000 रुपए के ऊपर देर इज नो प्रॉफिट। नो, क्योंकि अगर कोई बोलता है सर अगर 25,000 रुपए के ऊपर प्रॉफिट है, तो अगर 25,000 रुपए के अंदर 2,000 रुपए, सपोज 25,000 रुपए का मेरा खर्चा हुआ, उसके ऊपर मैं 2,000 रुपए का प्रॉफिट चार्ज कर रहा है, मतलब 27,000, तो फिर मैं यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 80,000 के अंदर से 25 सब्ट्रैक्ट नहीं करता, 27 सब्ट्रैक्ट करता। कार्टून सुनो, मेरे को बोलो, मेरे को सी के अंदर सेल्स वैल्यू ही चाहिए ना। ओके, मेरे को ए का भी सेल्स वैल्यू ही चाहिए ना। अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग सी बेच रहे हो तो पहले मेरे को बोलो जरा, तुम्हारा 25,000 रुपए का खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर सी को एक ही फॉर्म के अंदर ही बेचते हो, तुम लोग बोलते हो कि मैं 55,000 का बेचेगा, तो अगर तू 55,000 का बेचेगा, मतलब जितना तेरा खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है तू उतना ही कस्टमर से एक्स्ट्रा रिकवर कर रहा है। इसको मैं उल्टा बोलता हूं, मतलब अगर तू सी को एक ही फॉर्म के अंदर ही बेच देता तो तेरा एक्स्ट्रा 25 का खर्चा नहीं होता, और फिर तू एक्स्ट्रा 25 ही कस्टमर से रिकवर नहीं करता। मतलब 25,000 के अंदर देर इज नो प्रॉफिट मार्जिन। नो, अगर सपोज मेरा एक्स्ट्रा 25 का खर्चा हो रहा है और मैं सोच रहा हूं मैं इस 25,000 के ऊपर भी 2,000 रुपए का प्रॉफिट चार्ज करूंगा, तो अगर तू कभी सी को एक ही फॉर्म के अंदर बेचता तो फिर तेरा 25 का खर्चा नहीं होता, और फिर तू उसके ऊपर 2,000 रुपए का प्रॉफिट भी नहीं चार्ज करता ना। तो फिर मैं सी से ए तक पहुंचने के लिए 27,000 रुपए सब्ट्रैक्ट करता। तुमको समझा जो मैंने बोला? अगेन दिस इज वन अजम्पशन, दुनिया का तेरे को कोई बुक नहीं बताएगा, कोई प्रोफेसर भी नहीं कभी बताएगा। ओके, एंड दैट इज अंडर नोशनल सेल्स वैल्यू देर इज अ इनबिल्ट अजम्पशन, एंड दैट इनबिल्ट अजम्पशन इज कभी वो लिखोगे भी नहीं फॉर एग्जाम्स तो भी चलेगा, क्योंकि शायद इंस्टीट्यूट को भी बाउंसर ही जाएगा, जैसे तुम लोगों को तो वो बाउंसर गया था। ओके, एंड दैट अजम्पशन इज देर इज नो प्रॉफिट विच इज चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर कॉस्ट। From now onwards, this cost is going to be called as post-separation cost. तुमको ये वर्ड याद आता है? एक मिनट, what was pre-separation cost? Joint cost से पहले, joint cost के बाद वाला cost will be called as post-separation cost. तो मेरे को finally एक conclusion वो दो ना यार, अगर मैंने ये वाला method follow किया, अगर मैंने notional sales value method follow किया, मेरे इस example के अंदर फाइनली 60,000 रुपीज विल गेट डिवाइडेड अमंग ए एंड बी इन वॉट पर्टिकुलर रेशियो, मेरे को बोलो 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 55,000 to 30,000। इज दिस ओके फॉर एवरीबडी? अच्छा, मेरे को एक और चीज जरा वो बोलो ना, 55,000 आई कैन ऑल्सो राइट डाउन इन वे ऑफ अ फॉर्मूला। 55,000 इज नोशनल सेल्स वैल्यू, नोशनल सेल्स वैल्यू विल बी नथिंग बट, देखो जो मैं बोलता हूं समझ में आता है कि नहीं, इट इज फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। तुमको ये लैंग्वेज समझा? तो बोलो मैंने क्या बोला, इट इज फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। इज दिस ओके? तुम्हारे तीन मेथड खत्म हो गए, मेरा आज का जो काम है जिसके ऊपर अपने क्वेश्चन बेस्ड होने वाले हैं दोज आर डन। तो मैं तुमको तुम्हारी टेबल के अंदर, जो तुम्हारी बुक के अंदर है, ये वाली तीन चीजें बता रहा हूं। देखो, तो सबसे पहले इन दिस पर्टिकुलर केस, सेल्स वैल्यू मेथड, जिसके बहुत सारे नाम है, एक्चुअल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड या सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड, ठीक है, एक्चुअल वर्ड यूज करने का है नहीं, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैं अभी रेड पेन यूज करता हूं। टू बी फॉलोड व्हेन प्रोडक्ट्स, आगे जरा पढ़ो क्या लिखा है, ये जोर से पढ़ो, कैन बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सुनो, ये तुमको बराबर से नहीं समझेगा, ये मैं अभी तुमको बोल रहा हूं, देखो बराबर से सुनना।
एग्जाम्पल, मैंने 60,000 रुपए का खर्चा किया, ठीक है, ए बना बी बना, ठीक है, ए का 10,000 यूनिट बन गया, बी का 20,000 यूनिट बन गया, ए इस स्टेज पर 6 रुपए का बिक सकता था, बी इस स्टेज पे 1.5 रुपए का बिक सकता था, लेकिन मेरी मर्जी, मेरा बिजनेस तो मेरा धंधा, आई ट्राई टू बी थिंकिंग लाइक दिस, नहीं, मैं ना ए को आगे कन्वर्ट करूंगा, सी के तौर पे बेचूंगा, मेरे को लगा बी को आगे कन्वर्ट करूंगा, डी के तौर पे बेचूंगा, जब मैं ए को आगे सी के अंदर कन्वर्ट करता हूं, ठीक है, बराबर से सुनना, जब मैं ए को आगे सी के अंदर कन्वर्ट करता हूं, 2000 यूनिट्स आर लॉस्ट, तो बच गया 8000 यूनिट, दे कैन बी सोल्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 10। जब मैं बी को आगे डी के अंदर कन्वर्ट करता हूं, 5000 यूनिट्स आर लॉस्ट, बच जाता है 15,000, दिस कैन बी सोल्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 8, ठीक है। ए टू सी कन्वर्ट करने का खर्चा 25,000, बी टू डी कन्वर्ट करने का खर्चा 30,000, ठीक। अगर मैंने तुमको ये वाला क्वेश्चन दिया, एंड इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, लिसन, लिसन टू द क्वेश्चन प्रॉपरली, मेरे को बोलो विच आर योर ज्वाइंट प्रोडक्ट्स, ए एंड बी और सी एंड डी, ए एंड बी, मेरे को बोलो व्हाट डू यू सेल इन द मार्केट, व्हाट डू यू सेल इन द मार्केट, ए और बी और सी एंड डी, सी एंड डी। अच्छा, तुमको ये क्वेश्चन देखकर शायद समझेगा, सर वी कैन फॉलो ऑल द थ्री मेथड्स दैट यू हैव टॉट टू अस, यू कैन फॉलो आउटपुट मेथड ऑल्सो, यू कैन फॉलो नोशनल सेल्स वैल्यू ऑल्सो, यू कैन फॉलो सेल्स वैल्यू मेथड ऑल्सो, तुमको समझा, तुम लोग तीनों का तीनों मेथड फॉलो कर सकता है। अच्छा, मेरे को जरा बोलो, सम कुछ नहीं बोला, विच मेथड टू फॉलो, तो मेरे को जरा बोलो तीनों के अंदर से विच मेथड विल यू फॉलो, सेल्स वैल्यू मेथड। तो देखो एक लाइन बोलता है, तुम लोग इंटेलिजेंट लोग हो तो तुमको ये वाला लाइन समझ में आना चाहिए, और ये वाला लाइन क्या है, टू फॉलो सेल्स वैल्यू मेथड, आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन, कैन ए एंड बी बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, डोंट आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, आर ए एंड बी गेटिंग सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तुमको समझा जो मैंने बोला, खुद से क्या क्वेश्चन पूछने का, खुद से क्या क्वेश्चन पूछने का, क्या ए और बी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बिक सकता है, मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के अंदर, क्या ए और बी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बिक सकता है? यस बेटा, महीने तेरे को 6 और 1.5 दिया ना, मतलब ए और बी स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर बिक सकता है, वो तो मेरी मर्जी, आई कन्वर्ट ए इंटू सी, वो तो मेरी मर्जी, आई कन्वर्ट बी इंटू डी, बट इफ ए एंड सी, सॉरी इफ ए एंड बी कैन बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यू शुड ऑलवेज फॉलो, बोलो बोलो बोलो, सेल्स वैल्यू मेथड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली प्रोसेस्ड फर्दर। मैं थक गया अभी, तुमको समझा? तो इसके लिए मैंने इधर एक लाइन डाला, मैंने इधर एक लाइन क्या डाला, टू बी फॉलोड व्हेन प्रोडक्ट्स, आगे बोलो बोलो बोलो, कैन बी सोल्ड, मैंने यहां पे ये नहीं लिखा प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तुमको लैंग्वेज समझ में आता है? थैंक यू। आगे ये वाला मेथड काम कैसे करता है, डिवाइड जॉइंट कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट, यू नो हाउ टू कंप्यूट सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट विल बी नथिंग बट आउटपुट इनटू सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। सेकंड इज नोशनल सेल्स वैल्यू, उसको हम लोग नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड भी बोल देंगे, ये वाला मेथड, टू बी फॉलोड व्हेन प्रोडक्ट्स, पढ़ो आगे, कैन नॉट बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, अगर ए और बी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बिक नहीं सकता, एग्जाम्पल अगर मैं अपना ये वाला एग्जाम्पल चेंज करूं और मैं कौन सा नंबर छुपा लूं, मेरे को बोलो, 6 एंड 1.5, अगर मैंने तुम लोगों को ये वाला नंबर दिया ही नहीं, मतलब नाउ आई कैन नॉट फॉलो सेल्स वैल्यू मेथड, नो, फिर देखो मजबूरी के अंदर कौन सा मेथड फॉलो कर लेना चाहिए, नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड, इज दैट ओके? एंड लास्टली सबसे घटिया अपना मेथड, आउटपुट मेथड, आउटपुट मेथड, ये जो थर्ड वाला मेथड है वो कल आएगा तो वो छोड़ दो अभी, आउटपुट मेथड, टू बी फॉलोड व्हेन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑलमोस्ट सिमिलर, डिवाइड जॉइंट कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ आउटपुट, इज दैट फाइन फॉर एवरीबडी? ठीक है, थैंक यू। मेरा ये वाला जो काम है ना, मेरा जो ये वाला काम है, दैट इज ऑलमोस्ट डन, ठीक है, ये वाला जो काम है मेरा ऑलमोस्ट हो गया, ठीक। अभी ये जो तीन मेथड इधर और बच गए, मैंने आज ये वाला मेथड कवर कर लिया, ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया, ठीक है, ये वाला मेथड कल, ये वाला मेथड परसों, ये वाला मेथड देखेंगे, वो मेरे को भी नहीं याद है, ठीक है, वो देखेंगे।
अभी मैं तुमको एक और चीज अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैं थियरी, मोस्ट ऑफ द थियरी दैट आई रिक्वायर, आई एम ट्राइंग टू फिनिश इट ऑफ, ठीक है, ध्यान देना। और ये चीजें ना विल बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट्स टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, दैट विल हेल्प यू इन अकाउंट्स आल्सो टू सम एक्सटेंट, क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर भी समथिंग सा मेंशन हो गई है, ठीक है। सुनो, अभी बाय प्रोडक्ट्स, अभी बाय प्रोडक्ट्स क्या होता है, अगेन माइट बी फॉल्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट। बहुत साल पहले, बहुत साल मतलब तुम लोग जब भी पैदा हुए थे, दैट आई नो, तो अप्रोक्सीमेटली तुम लोग जब भी तो वो पैदा हुए थे, आई नो दैट ईयर, तो वो बोलो मत, तो वो बोलो मत, वो मेरे को बुरा लगता है, सुनो मेरी बात, ओके। तो तुम लोग जब भी पैदा हुए थे उसके आसपास, 2002 के आसपास, ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, ओके, तब उसका नाम वो था, उन लोगों ने ना बाय प्रोडक्ट वर्ड ही निकाल डाला कॉस्टिंग के अंदर से, बोलते हमको ये वर्ड ही नहीं अच्छा लगता, उन लोगों ने निकाल डाला, ओके। इंस्टीट्यूट को आज तक ये चीज पता नहीं चला कि बाय प्रोडक्ट करके कोई वर्ड नहीं होता इन कॉस्टिंग, ठीक है। वो लोग फिर भी बिंदास यूज करता है इन देयर मॉड्यूल्स, उनको नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन हमारी बुरी चीज दैट वी आर स्टिल गिविंग द एग्जाम्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और उनको कॉस्टिंग के बारे में बहुत ज्यादा कुछ मालूम नहीं। एक टाइम पे जब ये बाय प्रोडक्ट्स एक वर्ड होता था, ओके, कॉस्टिंग के अंदर, तब बाय प्रोडक्ट्स को ये लोग डिफाइन ऐसे करते थे। कैसे डिफाइन करते थे, सुनो, वेन एवर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर, वेन एवर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर, सम प्रोडक्ट्स, सम एंसिलरी प्रोडक्ट्स गेट प्रोड्यूस्ड, Those products are called as byproducts. तुमको ये definition से ज्यादा कुछ पता नहीं चला। चलो अब तुमको यही वाली चीज मैं बोलता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना जरा प्लीज, ठीक है, ध्यान से सुनना, अभी बराबर से सुना मैं क्या बोलता है। हम लोगों ने क्रूड ऑयल का प्रोसेसिंग किया, ठीक है, हम लोगों ने क्रूड ऑयल का प्रोसेसिंग किया। जब क्रूड ऑयल का प्रोसेसिंग किया ना, तो पेट्रोल निकला, ए, बी डीजल भी निकला, लेट मी राइट डाउन ओवर हियर, पेट्रोल भी निकला, उसके बाद डीजल भी निकला, ठीक है। हम लोगों ने क्रूड ऑयल का प्रोसेसिंग किया, अपना जॉइंट कॉस्ट का खर्चा 60,000 रुपीज हुआ, ए भी निकला, बी भी निकला, बीच में ना वैक्स भी निकल गया, इसका 10,000 लीटर, इसका 20,000 लीटर, वैक्स भी निकल गया 5,000 किलो, ठीक है। आई वॉज नॉट प्रोसेसिंग क्रूड ऑयल फॉर मेकिंग वैक्स, लेकिन बन गया तो फेंकू क्यों? दोज प्रोडक्ट्स विच आर एंसिलरी टू द मेन प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज बाय प्रोडक्ट्स। ये डेफिनेशन एक टाइम पे बहुत फेमस होता था, दोज प्रोडक्ट्स विच आर एंसिलरी टू द मेन प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज बाय प्रोडक्ट्स। तुमको ये डेफिनेशन समझा? एंसिलरी मतलब दे आर नॉट मेन प्रोडक्ट, अगर बनते तो भी ठीक है, नहीं बनते तो मैं अपना धंधा वैक्स की वजह से नहीं कर रहा हूं, मैं अपना बिजनेस क्यों कर रहा हूं, टू मेक, बोलो आगे, पेट्रोल एंड डीजल। सो मेन लाइन प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स, ऑल अदर प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज बाय प्रोडक्ट्स। लेकिन ये वाला डेफिनेशन नो वॉज नॉट लीडिंग टू एनीथिंग, ओके, उससे ज्यादा झगड़े होते थे, दैट इज इट अ मेन प्रोडक्ट, इज इट नॉट, ये वगैरह। तो इंस्टीट्यूट ने, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, उन लोगों ने स्क्रैप कर डाला उसको, ठीक। उन लोगों ने बोला अपने को ये झंझट के अंदर ही नहीं पढ़ने का, उसको डिलीट ही कर डालो, ठीक है, तो डिलीट कर डाला। तो आज की डेट में बाय प्रोडक्ट जैसा कोई वर्ड है ही नहीं, तो एक्चुअली मेरे को तुमको सिखाने नहीं चाहिए। लेकिन क्या है, ICA के चैप्टर के अंदर दोज गाइस हैव पुट जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स, अभी मैं क्या करूं, आई स्टिल हैव टू ट्राई टू लिव विद इट। तो आज की डेट में व्हाट मैटर्स टू मी इज कि अगर एग्जाम के अंदर बाय प्रोडक्ट आया तो तुम लोग उसको कैसे ट्रीट करोगे, बस तुम्हारा पर्पस उसी से खत्म हो जाता। अभी ये जो वैक्स है ना, ये जो वैक्स है, दिस इज बाय प्रोडक्ट, लेकिन बाय प्रोडक्ट इज ऑफ नो यूज, मैं कुछ उसके साथ वर्ड्स ही नहीं डालता, ठीक है, चलो। लेकिन इसके साथ तो डालेगा बेटा, जॉइंट प्रोडक्ट्स, इसके साथ भी मैं इसको जॉइंट प्रोडक्ट बोल देता हूं, ठीक है। सो दीज आर जॉइंट प्रोडक्ट्स। आज वैक्स बना कितने किलो का, 5,000 किलो का, ठीक है। अभी ये जो वैक्स है ना,
ये जो वैक्स है, सपोज कोई एक कंपनी है, सपोज इन दिस केस मुकेश अंबानी की ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, यू ऑल नो दैट ही हैज अ ऑयल रिफाइनरी बिजनेस विच इज हिज बिगेस्ट बिजनेस, थैंक यू. तो इन जामनगर ही हैज अ ऑयल रिफाइनरी विच इज ऑलमोस्ट द बिगेस्ट वन. अभी वहां पर क्रूड ऑयल निकलता है, सॉरी क्रूड ऑयल का प्रोसेसिंग होता है, पेट्रोल और डीजल बनता है, ठीक. अभी वैक्स भी बन जाता है. अभी मुकेश अंबानी सोचता है वैक्स क्या फालतू चीज है, मेरे को रिलायंस जियो कैंडल्स नहीं लॉन्च करने का है अभी. ओके, बोलता है व्हाट डाउनग्रेड प्रोडक्ट, मैं अंबानी अभी कैंडल्स लॉन्च करूं क्या ऐसा, और दिवाली के अंदर तो वो बेचूं क्या, वो डाउन मार्केट लगता है. ओके, लेकिन बंदे के पास बिजनेस दिमाग तो है, दैट वी ऑल आर वेल अवेयर विद. तो वो क्या करता है, जैसे ही वैक्स बनता है ना, उसको इतना समझ में आता है कि देर आर अदर कंपनीज जिनके लिए वैक्स विल बिकम रॉ मटेरियल. तुमको समझा जो मैं बोला? तो वो क्या करता है, एग्जाम्पल के तौर पे से डिंपल कपाड़िया, ओके, अक्षय कुमार की मदर इन लॉ, ओके, यू ऑल हैव हर्ड ऑफ, तुमको ये चीजें तो मालूम होती है, ठीक है, थैंक यू. नाउ इन दिस केस नो, अभी इन रियालिटी शी हैज अ फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ डेकोरेटिव कैंडल्स, इन रियालिटी शी हैज. वो जैसे ही वैक्स बनता है ना, जैसे ही वैक्स बनता है, वो डिंपल कपाड़िया को बोलता है कम हियर, पिक अप दिस वैक्स एंड गेट आउट. ओके, अभी वो जो डिंपल कपाड़िया है ना, तो इन दिस केस शी पेज हिम 50 पैसे पर केजी ऑफ वैक्स, ठीक है. तो अंबानी को ये वैक्स बेच के कितना रुपीज मिल जाता है, 2500, ठीक. मेरे को जरा बोलो, विल एवर मुकेश अंबानी एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर्स, आई मेक सेक्सी वैक्स एंड आई सेल इट ऑफ टू सम समबडी एल्स, नहीं ना. वैक्स इज लाइक स्क्रैप नो फॉर हिम, ओके, वैक्स इज लाइक स्क्रैप नो टू हिम, बट स्क्रैप हैज सम वैल्यू. ओके, इफ स्क्रैप हैज सम वैल्यू देन यू ट्रीट इट लाइक स्क्रैप. अभी तुम लोग मेरे को बोलना, बिकॉज यू हैव डन दिस, आई वॉन्ट टू बी ट्रीटिंग वैक्स लाइक स्क्रैप, इट इज स्क्रैप फॉर मी, आई विल नॉट एडवर्टाइज आई मेक वैक्स हियर, आई विल नॉट एडवर्टाइज. ओके, I want to be giving treatment of scrap to wax. Meko bolo, as per you, what should be your accounting treatment? You all have done this in process costing. Dekho, main kya karta hoon? Is this whatever finally came to your mind or not? 60,000 ke andar se 2,500 less kar dega. And this will become net joint cost, 57,500. Tumko samjha ye wala cheez? और मैं 57,500 डिवाइड कर देगा अमंग ए एंड अमंग बी, इज दिस ओके? आई एम ट्रीटिंग इट लाइक नॉर्मल लॉस, यू ऑल रिमेंबर दिस? मैं उसको नॉर्मल लॉस की तरह ही ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है. दिस इज द ट्रीटमेंट दैट यू आर गोइंग टू बी गिविंग टू वैक्स इफ वैक्स इज ट्रीटेड एज स्क्रैप. ओके, this is one thing. If wax is treated as scrap, then in that particular case, we will give it that particular treatment. ठीक? लेकिन suppose in this particular case, यहां पर साल बीत गए, विरासत वो चलती रही, मुकेश अंबानी के बाद उसका बेटा भी आया. मुकेश अंबानी के बेटे का नाम आकाश अंबानी. वो सोचता है कैंडल का धंधा तो मैं ही खाएगा. ओके, वो सोचता है ऑलमोस्ट वी हैव मोनोपोली ऑफ एवरीथिंग इन आवर कंट्री, वन डे इंडिया विल आल्सो बी कॉल्ड एज इंडिया पावर्ड बाय जियो, इंडिया का नाम ही वो बदल डालेंगे एक दिन. नो, वो भी बोलता है जियो इंडिया. तो इन दिस केस नो, उसने क्या किया, वैक्स तो खुद ही बनाते थे, उसको आगे प्रोसेस करके कैंडल्स वो बनाना स्टार्ट किया. ऑल द न्यूज पेपर्स, हर एक जगह पे वही आया कि जिस दिन लाइट जाएगी हमारी कैंडल्स तो चलती रहेंगी फॉर एवर एंड एवर. उसने सॉलिड एक मार्केटिंग किया, जैसे जियो फ्री देता था उसने कैंडल्स भी फ्री देना स्टार्ट किया. ओके, आज इंटेंशन बदल गया, जो चीज अपने लिए स्क्रैप था टूडे इट इज टेकिंग शेप ऑफ अ प्रोडक्ट. Every product might not be profitable, but even a loss-making product is still a product, no?
डिड यू एवर से दैट जियो इज स्क्रैप फॉर रिलायंस? डिड यू एवर से दैट? नो, इट वॉज लॉस मेकिंग फर्स्ट, टूडे इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, राइट? तो आज 60,000 rupees इज योर ज्वाइंट कॉस्ट, और वो आज दो हिस्सों में डिवाइड नहीं होगा, कुछ तो बोलो अभी, वो थ्री में डिवाइड होगा. डिवाइड ज्वाइंट कॉस्ट अमंग ए बी एंड वैक्स ऑल्सो. इफ वैक्स इज योर प्रोडक्ट, इट शुड गेट शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ऑल्सो. नो, तो मैं आज तुमको एक चीज वो बोलता हूं, एंड दिस इज हाईएस्ट लेवल दैट आई यूजली गो फॉर. आई नेवर एवर ट्राई टू बी मच थिंकिंग कि तुमको ये वाला चीज तो समझ में आता है कि नहीं, बट इफ यू आर डूइंग अ सब्जेक्ट यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन एंड आउट इन लाइफ. बाय प्रोडक्ट के लिए हमेशा याद रखना, एक तो इंस्टीट्यूट को बाय प्रोडक्ट वर्ड डिलीट नहीं करना चाहिए, सॉरी उनको यूज नहीं करना चाहिए, दे शुड डिलीट इट फ्रॉम द मॉड्यूल एंड फ्रॉम द क्वेश्चंस. लेकिन अगर फिर भी बाय प्रोडक्ट वर्ड कभी यूज किया ना, तो बाय प्रोडक्ट वर्ड से तुमको कुछ नहीं पता चलने वाला, पूरे सम का इंटेंशन पढ़ना. अगर सम का इंटेंशन देखकर पता चलता है सर इट इज स्क्रैप सर, तो देन एक लाइन बोलता है रिड्यूस स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम द ज्वाइंट कॉस्ट एंड डिवाइड द नेट ज्वाइंट कॉस्ट अमंग द अदर ज्वाइंट प्रोडक्ट्स. इज दिस लैंग्वेज ओके? अगर सम पढ़ के पता चलता है नहीं सर वो प्रोडक्ट ही है सर, तो फिर आप उसको ज्वाइंट कॉस्ट भी दे दे रहा. मैंने यही वाला चीज आपके इस टेबल के अंदर यहां पर डाल के रखा हुआ है, ठीक? थोड़ा सा इसको यहां पे बड़ा करने का ट्राई करता हूं, जितना भी वो दिख रहा है दैट्स ओके, अभी और बड़ा तो आई कैन नॉट बी डूइंग. ट्रीट इट एज बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है? सॉरी, ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट, देर आर टू ट्रीटमेंट्स दैट कैन हैपन. ट्रीट एज स्क्रैप एंड रिड्यूस फ्रॉम ज्वाइंट कॉस्ट, दैट इज फर्स्ट ट्रीटमेंट. सेकेंड, ट्रीट एज ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड अपोर्शन ज्वाइंट कॉस्ट. दीज आर द टू ट्रीटमेंट्स दैट आर पॉसिबल, ठीक है? मेरा इस चीज से ये वाला भी काम जो है खत्म हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है? लास्ट, एंड दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ थियरी, एंड ट्राई टू आंसर मी, क्योंकि इसका जो एग्जाम्पल है ना मैंने ऑलरेडी बीच में बना दिया था, कुछ ना कुछ रब भी किया था, बट आई विल ब्रिंग इट बैक, ठीक है? सुन, ध्यान से जरा सुनना, मैं तुमको यही वाली चीज फिर से समझाने जा रहा हूं. मेरा जॉइंट कॉस्ट का खर्चा 60,000 rupees का हुआ, ठीक है? ए बना, बी बना, ए का 10,000 units बना, मैं 6 पर बेच सकता था, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन आया, उसको आगे प्रोसेस करो, 25,000 rupees का खर्चा करो, ए विल गेट कन्वर्टेड इनटू सी, लेकिन कन्वर्जन के ना 2,000 units गुम हो जाएगा, तो बच जाएगा 8,000 units, कैन बी सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹10 इन द मार्केट. बी के लिए 20,000 units बना, 1.5 rupees के ऊपर बिक सकता था, लेकिन मैंने सोचा 30,000 rupees का और खर्चा करके बी को डी के ना कन्वर्ट करते हैं, अगर किया तो 5,000 units विल बी लॉस, बच जाएगा 15,000, कैन बी सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹8. मैं तुम लोगों को दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना, Should I convert A into C? This is my first question. Okay, answer मत करना अभी. सुनो सुनो सुनो, तो answer मत करना. Should I convert B into D? ठीक है? These are the two questions that are there. Okay. तुम लोग दोनों question का answer मेरे को तुम लोग एक minute के बाद देना, या फिर type करके दो. What should be processed further? What should not be? मेरे को अपने धंधे के अंदर सबसे अच्छा करने का है, तो मेरे को तुम लोग एक minute के अंदर ये reply दो. Should I convert A into C? Should I convert B into D? मेरे को लिख कर देना, that will be better. Correct है. मेरे को दोनों का individual answer देना. A to C, yes or no? B to D, yes or no? ऐसा. सब लोग ही करेक्ट है. सब लोग ही करेक्ट है. सब लोग ही करेक्ट है. परफेक्ट. चलो टाइम खत्म. सुन, अभी मैं बस दो नंबर्स कंप्यूट करने वाला हूं. सी बेचेगा 80,000 rupees मिलेगा, ए बेचेगा 60,000 rupees मिलेगा.
30,000 मिलेगा, 1,20,000 रुपए मिलेगा। देखो मैं अपने दिमाग में कैलकुलेशन क्या कर रहा हूं और सेम कैलकुलेशन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए था। पहले येलो से हाईलाइट कर रहा हूं। अगर ए टू सी कन्वर्ट किया ना, देखो अगर सी बेचा, अगर सी बेचा तो कितना रुपीज मिलेगा, 80। अगर ए बेचा तो कितना मिलेगा, 60। तो अगर ए टू सी कन्वर्ट कर रहा हूं, एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपया का तेरे को एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन ये 20,000 रुपया कमाने के चक्कर में आगे कुछ बोलो, तेरा 25,000 रुपए का तो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। ओके, तो अगर तूने ए टू सी आगे कन्वर्ट किया, तेरा एक्स्ट्रा लॉस होएगा कितने का, 5,000। तो तू ए को सी के अंदर मत कन्वर्ट कर। सेम चीज अभी आगे भी बात कर रहा हूं। डी बेचा 1,20,000, बी बेचा 30,000, तो एक्स्ट्रा कितना कमा रहे, 90, और एक्स्ट्रा खर्चा कितना हो रहा है, 30,000। तो अगर बी को आगे प्रोसेस किया ना, तेरे को 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बी शुड बी कन्वर्टेड इनटू डी। दीज डिसीजंस आर कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग। टिल व्हाट डेप्थ यू शुड प्रोसेस एंड देन सेल, टिल व्हाट डेप्थ यू शुड प्रोसेस एंड देन सेल। याद रखना, डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग के लिए मैं दो ही चीज सोचता हूं। क्या दो चीजें, इधर बेचेगा तो कितना, इधर बेचेगा तो कितना, मतलब एक्स्ट्रा कितना मिलेगा। दिस इज फर्स्ट थिंग, एक्स्ट्रा कितना मिलेगा। सेकेंड थिंग, एक्स्ट्रा कितना फटका लगेगा। इफ देर इज एक्स्ट्रा लॉस, डोंट प्रोसेस। इफ देर इज एक्स्ट्रा प्रॉफिट, देन यू प्रोसेस। तुमको समझ में आएगा, मैंने सब बात किया, जॉइंट कॉस्ट के बारे में तो मैं बात भी नहीं करेगा। क्यों, तू ए बेच, बी बेच, सी बेच, डी बेच, जो मर्जी बेच, जॉइंट कॉस्ट का तो खर्चा पहले हो ही चुका है ना तेरा। Therefore, for deciding, ये वाला लाइन दिमाग में डाल लो। Therefore, for deciding what should be processed further and what should not be, joint cost is always irrelevant. तुमको समझ में आया, joint cost is always irrelevant. Okay, क्योंकि joint cost का तो खर्चा पहले हो ही गया। Okay, example के तौर पर बेकार example है, but still, if it serves a purpose, that's okay. अभी मैं I'm going to be traveling from Mumbai to Delhi and I'm going to be going from Delhi to Ladakh on bike. I have a biking group. Okay, I'm about to be doing that. Okay, hum log Mumbai to Delhi bike se jayega, theek hai. Abhi uske baad na, uske baad mere paas Ladakh jane ke liye do raste hain, theek hai. Rasta number 1 R1, rasta number 2 R2. मैं दिल्ली आके मैं सोच रहा था कि यार ये रास्ता पकड़ूं या ये रास्ता पकड़ूं। भाई तू जो भी रास्ता पकड़, शायद आई वुड लाइक टू कैच दैट पर्टिकुलर रास्ता विच इज शॉर्टर। तू जो भी कर, तू इसके बारे में तो नहीं सोचेगा ना, क्योंकि वो वाला चीज तो हो चुका है। सेम वे तू ए को आगे प्रोसेस कर या ना कर, बेटा जॉइंट कॉस्ट का खर्चा तो लग ही गया ना तेरा। दैट इज ऑलवेज यूजलेस। इज दैट ओके? इस टेबल के अंदर ना मैंने यहां पर एक लाइन जो है वो रखी हुई है ब्लैंक। अगर तुम्हारे पास कोई भी फॉर्म ऑफ बुक है, यू ऑल कैन राइट इट, देयर इज वन डब्बा ब्लैंक ओवर हियर, बट आई एम रीडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग फर्स्ट। डिसीजन मेकिंग, याद रखना, अभी तक ना मैं तुमको अकाउंट सिखा रहा था, अकाउंट सिखा रहा था। कोई बोलते सर कभी अकाउंट सिखाया? अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट मैं क्यों करता हूं, ताकि मेरा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हो जाए। क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है, बुक्स के अंदर, ठीक है। मैंने तुमको जो 6 मेथड सिखाए, शायद अभी तक तो 3 ही सिखाए, हाउ टू अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट। ईच डिफरेंट मेथड विल गिव यू डिफरेंट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मैंने तुमको ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट सिखाया, वो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही, हाउ टू ट्रीट बाय प्रोडक्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन जो मैं तुमको ये सिखा रहा हूं ना, दिस इज नॉट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दिस इज हाउ टू रन योर बिजनेस बॉस। ओके, मैं तुमको डिसीजन मेकिंग सिखा रहा हूं। डिसीजन मेकिंग के अंदर आई एम ट्राइंग टू टीच यू डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। तो यहां पर दिस इज डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग, दिस इज डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। ये जो डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने यहां पे लिखा हुआ है वेदर टू फर्दर प्रोसेस और नॉट। डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग का मतलब ही वही होता है, वेदर टू फर्दर प्रोसेस और नॉट। और उसके लिए क्या करने का, एक्स्ट्रा रेवेन्यू माइनस एक्स्ट्रा कॉस्ट विल गिव यू एक्स्ट्रा प्रॉफिट या लॉस। अभी तुमको जितना दिखाई दे रहा है, आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर मी, ठीक है। अभी यहां पर मैंने जो लिखा हुआ है, इफ प्रॉफिट प्रोसेस फर्दर एल सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ओके, अगर प्रॉफिट है तो आगे प्रोसेस करो, वरना स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर बेच देना, ठीक।
यहां पर एक बॉक्स है, अगर तुम्हारे पास कुछ राइटिंग मटेरियल है तो यहां पे लिख के रखना, ऑलवेज ऑलवेज, एक मिनट आई चेंज द व्यू तो तुम लोग को भी सब कुछ मेरे ख्याल से दिख ही जाएगा, एक सेकेंड ना। हाँ तो यहां पर लिख के रखना ऑलवेज इग्नोर जॉइंट कॉस्ट, ऑलवेज इग्नोर जॉइंट कॉस्ट। और यहां पे नीचे एक और एरो मार के लिख देना डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग, दिस इज कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग। ऐसे डिसीजंस जहां पे आप लोग सोचते हो कि आगे प्रोसेस करूं या ना करूं, दीज आर कॉल्ड एज डिसीजंस रिगार्डिंग डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, तो आज जो मैंने किया तुम्हारे लिए, आज जो मैंने किया तुम्हारे लिए, those are things like, मैं एक बार वो recap कर रहा हूं, ठीक है ध्यान से सुनना जरा, those are things like, एक सेकेंड ना, हाँ those are things like, first of all what are joint products, joint products are those products which have to be produced together, first thing, second thing, what are byproducts? Those products that are ancillary to the main products are going to be called as byproducts. Third, what is joint cost? It is also called as, ek aur naam bolo? Pre-separation cost. Pre-separation cost is nothing but your manufacturing cost till split off point. Next thing, what is split off point? स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर आके तुम्हारे प्रोडक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। उससे पहले तुम लोग दो प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हो, मेरा फर्स्ट एग्जांपल, इससे पहले कभी ये मत बोलना सर मेरे पास ए और बी है, ए और बी अलग हुआ किस पॉइंट के ऊपर, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जैसे स्प्लिट ऑफ पॉइंट आया तभी अपने दो प्रोडक्ट्स बने, उससे पहले कभी दो प्रोडक्ट्स थे नहीं, उससे पहले तो सिर्फ क्रूड ऑयल था जिसका प्रोसेसिंग हो रहा था। आगे कोई भी कॉस्ट अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद लगती है, दैट इज कॉल्ड एज विच पर्टिकुलर कॉस्ट, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। ठीक, जॉइंट कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेस स्क्रैप वैल्यू, एड स्क्रैप कॉस्ट, दिस विल बी नथिंग बट योर जॉइंट कॉस्ट। ठीक, अच्छा जॉइंट कॉस्ट का ट्रीटमेंट तुम लोगों को तीन मेथड कराए, आउटपुट मेथड, सेल्स वैल्यू मेथड, नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड, टू बी फॉलोड व्हेन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड आर सिमिलर। बेस्ट मेथड, देखो ये वाला लाइन याद आता है, प्रोडक्ट्स विल गेट जॉइंट कॉस्ट इन द प्रोपोर्शन टू सेलिंग प्राइस, ये याद आता है लाइन, इफ सेलिंग प्राइस वॉज इन द रेशो ऑफ 4:1 कॉस्ट ऑल्सो विल बी इन द रेशो ऑफ 4:1। This method should be followed when products can be sold as split off point. This method should be followed when products cannot be sold as split off point. Byproducts, two treatments, either treated as joint product and then give them joint cost also, or the other particular option in this particular case, you treat it like scrap. Agar scrap ke taur pe treat karoge, scrap value ko joint cost ke andar se subtract kar lena, joint cost will get converted into net joint cost. And net joint cost will get divided among A and among B. Matlab your joint products. Kyunki jo wax hai, that will be treated as scrap. Is this all okay? Yeah. And lastly, in this case, hum logon ne jo aakhri cheez kiya, that is depth of processing. Depth of processing in this particular means, you have to be thinking, you have to be deciding, bhai, aage process karun ya na karun. Toh aage process karega, jab maal kamayega. माल कमाएगा वो कैसे पता चलेगा, सर एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना मिलेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना होगा, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, वी आर इंटरेस्टेड एज वी आर नॉट, जो भी कर लो बट ऑलवेज इग्नोर जॉइंट कॉस्ट। ओके, बस मेरा आज के लिए काम जो है वो हो चुका है, मैं सम शायद स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि सम्स आर गोइंग टू बी लाइक यू नो कलेक्शन ऑफ सर्टेन सम्स जो मेरे को इकट्ठा ही करना है। ओके, तो आज के लिए स्टॉप करते हैं, इन द नेक्स्ट लेक्चर मतलब तो टुमारो वी ऑल विल कंटिन्यू, और इसके बाद कभी भी एक दिन व्हेन योर लेक्चर विल बी स्लाइटली ऑफ अ शॉर्टर ड्यूरेशन
मैं प्रोसेस कॉस्टिंग का टेस्ट आई विल टेक विदाउट अनाउंसिंग, ओके, आई विल अनाउंस इमीडिएटली एट दैट पर्टिकुलर टाइम एंड आई विल गिव यू ऑल द टेस्ट, ओके। वो कल तो नहीं होगा लेकिन कल के बाद कभी भी हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स मीट देन टुमारो, ओके। आज का जो अपना लेक्चर था दैट इज ऑल टुगेदर डन।